सो हेलो गाइस, माय सेल्फ विकास शाह आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए आपके खुद के यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द ट्रेड में। गाइस, आज हम SRF लिमिटेड का एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड एनालाइज करने वाले हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस द्वारा SRF लिमिटेड के शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या लेवल्स के साथ इसमें क्या पोजिशन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे जो हमें यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि SRF का एक बहुत ही अच्छा यहां पर अप ट्रेंड चल रहा है। उसके साथ एक ट्रेंड लाइन हम लेंगे यहां से कुछ इस तरह से, एंड देन यहां पर एक लेवल लगाएंगे जो होगा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। सो नाउ We can clearly see right there कि यहां पर एक symmetrical triangle pattern बना है, एक double bottom pattern बना है, जिसको SRF ने आज बहुत ही अच्छे volume के साथ breakout दिया है। चलिए और भी कुछ tool यहां पर हम use करेंगे कि जिससे इस trade से related और conviction हमें आ सके। इसके लिए हम multiple यहां पर Fibonacci लेवल्स यूज करेंगे। एक फिबोनाची टूल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो हम इस लो से इस हाई पे लगाएंगे, और एक लेवल हम इस लो से इस हाई पे यहां पर लगाएंगे। यहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन यहां पर मिल रहा है जो हमने यहां पर मार्क कर लिया है। एंड नाउ जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, इसी सपोर्ट जोन से SRF ने एक अच्छा रिवर्सल दिया है और आज एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहां पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ SRF ने यहां पर हमें दिया है। तो अभी हम देखेंगे यहां पर टारगेट्स हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, किस टारगेट के लिए हम इसमें बाइंग बना सकते हैं, और इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हम क्या यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो लास्ट स्विंग था और जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहां पर जो SRF ने लो लगाया है यही लो हम यहां पर स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर क्या एक रिस्क इस ट्रेड से हमारा कितना रहेगा, और फिर हम देखेंगे कि जो टारगेट हमें मिल रहा है क्या वो टारगेट रिस्क रिवॉर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा जो रिस्क रहेगा इट इज नियर अबाउट 15%, 15% का रिस्क है। तो यहां पर हम टारगेट लगा के देखते हैं। चलिए उसके लिए हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टूल है उसका यूज करेंगे, जिसके लिए हम इस लो से इस हाई पे एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे, एंड देन इस ट्रेंड का जो लो है वहां पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर वी हैव सम लेवल्स, तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे हम टारगेट हमारा लगा सकते हैं। तो टारगेट हमें चाहिए नियर बाय 30%, 29-30% के आसपास हमें यहां पर टारगेट लेना है। ऑलराइट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से 100% का जो लेवल है जो मिल रहा है हमें नियर बाय 3000 रुपीज, ये टारगेट हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं जो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें यहां पर मिल रहा है। क्योंकि यहां पर 3000 का एक टारगेट है, हम इसको लाइक 10-20 रुपए का आप गैप यहां पर रख सकते हैं। तो हम यहां पर 2980 से 3000 रुपीज का टारगेट कंसीडर करेंगे। चलिए एक बार मैं वापस आपको लेवल बता देता हूं। आज का जो हाई है 2314, ये जब ब्रेक होगा तब आपको 3000 के टारगेट के लिए SRF में एक शॉर्ट टर्म में बाइंग पोजीशन मिल रही है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में 1971। सो गाइस, ये था हमारा SRF का एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालाइजेशन। आई होप कि जो लेवल्स हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए, जो लेवल्स हमने यहाँ पर टेक्निकली बनाए, वो आप सही तरह से समझ पाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Do like, comment, share and subscribe Beyond the Trade. Enjoy your day. Have a nice day. Thank you so much.